40 लाख अस्थायी निवासी उत्तराखंड में आ गए हैं। उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। उत्तराखंड के युवा आज बाहर के प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी आखिरी चरण पे है। उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार नहीं है। बाहर के बच्चे आकर यहाँ रोजगार कर रहे हैं। बाहर के लोगों ने यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दी, यहाँ का जमीन बिक गई। फोन कॉल बोगुणा हमारे साथ में है। बोगुणा जी, उत्तराखंड में 70 विधायक हैं और आज इस रैली में एक भी विधायक नजर नहीं आ रहा है, क्या वो मूल निवासी नहीं है? वो विधायकों की जरूरत नहीं, विधायक जनता बनाती है, जनता हमारे साथ है, जनता तय करेगी कौन विधायक होगा। ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जिन्हें जिता रहे हैं वो कौन है और ये लोग जो यहाँ पहुँचे हुए ये कौन है। जो ये साथ चल रहे हैं ये उन विधायकों की जननी है। अगर जननी जन्म देना बंद कर देगी तो विधायक पैदा ही नहीं होंगे। और विधायकों और नेताओं के माथे पर बल पड़ने लाजमी होंगे, क्योंकि ये इसका कोई नेतृत्व बहुत बड़ा नहीं है। हमें विधायक की जरूरत नहीं, मंत्री की जरूरत नहीं, हमें जनता की जरूरत है। पूरे उत्तराखंड ने पूरा ग्लोबल मैसेज है, पूरी दुनिया के लोग उत्तराखंड के साथ है। या तो वो मोदी जी के विधायक हैं या वो भाजपा के विधायक हैं। अगर उत्तराखंड के विधायक होते तो मौके पे होते, और ये सारे उत्तराखंड के लोग हैं। बेशक ये विधायक ना हो लेकिन ये किसी विधायक से कम नहीं है इस समय, क्योंकि इस समय ये इतिहास बनाने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। और जिनको हम जिताते हैं, सर पे बिठाते हैं, वो आज यहाँ नहीं है। ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जिन्हें जिता रहे हैं वो कौन है और ये लोग जो यहाँ पहुँचे हुए ये कौन है। ये रेला उत्तराखंड के निस्वार्थ भाव से आए हुए लोग हैं, जिनके अंदर उत्तराखंड को बचाने की पीड़ा है। आप ये देखिए, जोशी मठ में पूरा धसाव हो चुका था, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन आज तक वो जोशी मठ का जो मामला है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये है कि देखिए, परिवर्तन धीरे धीरे होता है शहजाद भाई। 1994 में एक परिवर्तन हुआ था, और हो ना हो कि 1994 के बाद ये दूसरे परिवर्तन की एक चिंगारी हो। और जब परिवर्तन आता है तो क्या सत्ता और क्या विधायक और क्या अधिकारी सब बदल दिए जाते हैं कि एकजुट एकमुट वही जावा, उत्तराखंडियों वही जावा। वो असर जमीन पे दिखने लगा है, और विधायकों और नेताओं के माथे पर बल पड़ने लाजमी होंगे, क्योंकि ये इसका कोई नेतृत्व बहुत बड़ा नहीं है। इनका जनमानस आज सड़कों पे है, क्यों है? यही सबसे सोचने वाली बात है कि ये आखिरी भू कानून कब लागू होगा यहाँ, जब मणिपुर के जैसे हाल हो जाएंगे। देखिए, पहले तो हमारे लोक साक्ष्य और शहजाद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा पहाड़ की बातों को उठाते हैं और पहाड़ ही हैं आप। देखिए, 70 विधायक कौन हैं? वो हैं जिन्हें सत्ता की मलाई खानी है, वो 70 हैं। और ये साथ, जो ये साथ चल रहे हैं ये उन विधायकों की जननी है। अगर जननी जन्म देना बंद कर देगी तो विधायक पैदा ही नहीं होंगे। और आप ये देखिए, आज पहाड़ का बच्चा बच्चा रो रहा है। आज राजस्थान का आदमी आकर के पहाड़ पे नौकरी पा लेता है, बिहार का आदमी आकर के पहाड़ पे नौकरी पा लेता है, लेकिन पहाड़ का बच्चा आज पहाड़ में ही बेरोजगार है। और ये सत्य है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ना आए तो केवल पहाड़ के काम ना आए, बाकी आज पूरे देश में पहाड़ के जो बच्चों का हाल है वो उत्तराखंड की सरकारों का देन है। देखिए, 1994 का जो हमने तांडव देखा था, हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी माता बेलमती चौहान और हमारी बेलमती चौहान और हंसा धनाई ने जो इस प्रदेश को बचाने की एक अपने अंदर जज्बा रखा था, आज इन माताओं के अंदर वो बात दिखती है। मेरी माता लगभग 60-65 वर्ष की आयु की हैं, लेकिन आज इनके अंदर पहाड़ को बचाने की और पहाड़ की जवानी को बचाने की आग है, इसलिए आज सड़क पे हैं। मेरा पहाड़ के उन विधायकों से भी हृदय की गति, हृदय से अंदर से ये एक आकांक्षा उनके प्रति कि वो जब भी विधानसभा का सत्र हो वहाँ पहाड़ की भांति गर्जें और इस पहाड़ को बचाने के लिए एक नया आंदोलन विधानसभा के अंदर भी करें। बहुत दुखद विषय है, जिस तरह से 1994 में जब राज्य बनाने के लिए आंदोलन हुआ था, निश्चित तौर पे आज पहाड़ का आदमी जाग चुका है। पहाड़ इंद्र सिंह, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, चारों धर्म के लोग इस प्रदेश में रहते हैं। हमने जब लड़ाई लड़ी थी, चारों लोगों ने मिलकर लड़ी थी। 1950 से हमें मूल निवास चाहिए और भू कानून चाहिए, अन्यथा जो यहाँ के 70
करने के लिए तैयार है, ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यदि नहीं पहुँच पाए, और ऐसे में जहाँ उत्तराखंड का जनमानस टूट के यहाँ पहुँचा है इस ऐसे कॉज के लिए, ऐसे मुद्दों के लिए जो उत्तराखंड का ज्वलंत सरोकार है उसको लेकर तो सबको सजग होना होगा, पहाड़ियों को इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा, तभी जैसे हमने राज्य लिया था, छीन के लिया था, वैसे ही हमें भू कानून और मूल निवास भी छीन कर लेना होगा। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर जिन्होंने आज उत्तराखंड को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ 50 से ज्यादा संगठन सामाजिक और राजनीतिक खड़े हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से भाजपा ने आज ही का दिन चुना अपनी रैली के लिए। बहुत शर्मनाक है, ये रैली को डेंट पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए कुत्सित प्रयास है, ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत नेहा जोशी और उसकी पार्टी ने किया है। देखिए जनता का आशीर्वाद है, जनता नेतृत्व जब करती है तो ऐसी भीड़ दिखाई देती है, जनता की सहभागिता है, और ये राज्य आंदोलनों से निकला हुआ राज्य है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन हुआ, कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुआ, और आज मूल निवास के लिए ये आंदोलन सड़कों पर जनता आ चुकी है। अपना मूल निवास का अधिकार अब लेके ही रहेंगे कि जो मूल निवास की बात नहीं करते, हम उन विधायकों का मंत्रियों का बॉयकॉट करेंगे जो विधायक और यहाँ पर नहीं पहुँचे, सत्ता की मलाई खाएंगे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के मूल निवासियों की लड़ाई के लिए कोई भी विधायक यहाँ नहीं पहुँचेगा तो उनको कहीं ना कहीं ये बातें तो सुनने को मिलेंगी। हमारी युवा पीढ़ियों के लिए आगे कुछ रोजगार नहीं है, बिल्कुल कुछ ऐसे भटक रहे हैं, पढ़ लिख के ऐसे धोखा खा रहे हैं, उनको रोजगार देना चाहिए। जिस प्रकार झारखंड में सन 1930 का कटआउट डेट है, हम समझते हैं कि जो यहाँ के पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग मूल निवास मूल मतलब जड़ों से यहाँ रह रहे हैं, जो 10-15 सालों से यहाँ आए हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं हो सकते, उन्हें स्थायी निवासी माना जा सकता है। हम यहाँ के जड़ों से जुड़े हुए हैं, पर्वत की जड़ों से जुड़े हुए हैं, या हमारे परदादा दादाओं ने जन्म लिया है, हम मूल निवासी हैं यहाँ के। 10-15 साल से आए हुए लोग यहाँ के मूल निवासी कैसे हो सकते हैं? हम समझते हैं कि आज एक और आवाज है, भू कानून लागू करो, मूल निवास सन 50 से लागू करो। और मैं समझती हूँ अगर घर का सृष्टि अच्छा होगा तो ये नौबत नहीं आती। आज जो है जितनी भी सरकारें बनी, क्या हुआ, हमारी सारी भूमिका हर रोज दलालों के द्वारा बिकाई जा रही है, हमें अपने गौचर जमीन भी हमें बिक रही है, कहीं पे भी हमें पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमने भू कानून के लिए आज ये लड़ाई लड़ी है कि भू कानून हमारा 1950 का मूल निवास और भू कानून अति शीघ्र लागू हो, कि जिन विधायकों को हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विधानसभा में भेजते हैं और वो खुद यहाँ से नदारद है, सत्ता की मलाई वो खाएंगे लेकिन जब बात हमारे अधिकारों की होगी तब नजर नहीं आएंगे। तो ये गलती हम लोगों की है, ऐसे लोगों को क्यों कुर्सियों पे बिठाते हैं जब उनको देख भी लिया ऐसे कर रहे हैं, और आज सारे लोग चुप हो रखे हैं क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा है, उनके 10-20 आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो जमा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की बदौलत ये सब हमारा उत्तराखंड की भूमियाँ बिक रही है, और आज वो चुपचाप बैठे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो गद्दी पे बैठ के और बेच के बिल्कुल खामोश बैठे हैं। राज्य का जो आधार है वो भू कानून है, भू कानून के बिना राज्य बनने का कोई मतलब नहीं रहता, तो एक मजबूत भू कानून का मतलब है उत्तराखंड की राज्य की जो अवधारणा है उसको स्थापित करना और उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना, एक पहचान का संकट है और जिसकी उपेक्षा आज़ादी के बाद से हुई है, और सच कहें तो जिसकी उपेक्षा 2000 के बाद जब राज्य बन गया, राज्य बनने के बाद भी सभी सरकारों ने इसकी उपेक्षा करी है। ये हमारी राज्य सरकारों के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है कि वे उत्तराखंड की जो पहचान का जो संकट है उसको समझें, उत्तराखंड की संस्कृति इस भूभाग को समझें, यहाँ की जन आकांक्षाओं को समझें, और ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, ये जरूर है, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है और उससे उपजा हुआ है, ये कोई विशेष आह्वान विशेष संस्था के द्वारा नहीं है बल्कि उत्तराखंडी जो चिंतक हैं उनकी ओर से एक अपील की गई है, और ये स्वतः स्फूर्त यहाँ पर आ गया है, इसलिए ये जो आंदोलन है, ये जो भू कानून और इसका आंदोलन है, जिस सवाल को हम बहुत पहले से उठाते रहे हैं कि भाई यहाँ के जो पहचान है, जो यहाँ की संस्कृति है, एक विशेष भूभाग है और इसकी रक्षा होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकारों को तुरंत भू कानून को लागू करना चाहिए।